मैरिनेशन के लिए हम लेंगे चिकन में बोनलेस, उसमें सोया सॉस और सिरका डालेंगे, फिर उसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, नमक डालेंगे और चिकन पाउडर डालेंगे। उसके बाद लहसुन को ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह चाहते हैं, पेस्ट बनाना चाहते हैं, कूटा हुआ लेना चाहते हैं या चॉप। और इसको मिक्स करके मैरिनेशन के लिए कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए हम साइड पर रख देंगे। ओवरनाइट हो जाए तो बहुत बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जो यहाँ चिकन शाशलिक बनाने लगे हैं, चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करने के बाद इनको स्ट्रेन कर लिया है। साथ में हम वेजिटेबल राइस भी बना रहे हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चलें आज मौसम सही है और सही मौसम के साथ कुछ अच्छा अच्छा खा लेते हैं, अच्छा अच्छा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतीली के अंदर ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो चुका था, जिसमें मैंने जो है प्याज डाले हैं। प्याज भूनने के बाद उसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद साथ ही मैंने ग्रीन चिली भी इसके अंदर ऐड कर दी है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी चॉप किया हुआ, बल्कि पेस्ट नहीं था, चॉप किया हुआ लहसुन अदरक भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया और इसको अच्छे से भून लिया। चलें जी, इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 फूल गोभी, और फूलगोभी के साथ हम डालेंगे मटर, और मटर डालने के बाद इसको ज़रा सा अच्छा सा घुमा देंगे चम्मच के साथ, ताकि इनको पता चल जाए कि हमने इकट्ठा पकना है। इनको ज़रा मिक्स कर लेंगे, साथ में ग्रीन चिली भी इसके अंदर बड़ी बड़ी काट के वो भी आपने ऐड कर देनी है और वो भी डाल देनी है। इसके बाद जाएगी इसमें शिमला मिर्च और साथ में ही इसके गाजर जाएगी कटी हुई, और साथ में ही बंद गोभी भी जाएगी, और फिर इसको अच्छे से पका लिया जाएगा। इनको अच्छे से घुमाया जाएगा, घुमाने के बाद इनको चक्कर दिए जाएंगे, ताकि ये लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों ने इकट्ठा पकना है। और इकट्ठा पकने के बाद देखें कितना खूबसूरत सा कलर निकल के आया है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसी में हमने ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो मैंने पिसी हुई है वो मैंने डाली है, और कुछ मैंने इसमें क्रश चिली भी डाली, दरदरी सी कुटी हुई मिर्च। इसमें फिर मैंने चावल ऐड कर लिए जो मैंने बॉईल करके स्ट्रेन करके रखे हुए थे। थोड़े से ऊपर से मैंने कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन, हरे प्याज भी डाल लिए मैंने ऊपर, और उसके बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। हर बंदा अपने स्टाइल से बनाता है, आप भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके से वेजिटेबल बनाती हैं। कॉमेंट में ज़रूर आएँ और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में भी आप बता सकती हैं, और कोई गलती हुई हो तो उसके बारे में भी बता सकती हैं। जी तो अब ये जाएगा दम पे। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं तकरीबन। अब हम दोनों साइड पे पतीली लगा लेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल। एक साइड पे हम सॉस की तैयारी करेंगे, एक साइड पे चिकन को पकने के लिए, जो मैरिनेट करके मैंने आपको स्टार्टिंग में जिसकी मैरिनेशन आपके साथ शेयर की है वो मैरिनेट हो चुका है बहुत अच्छे से। और इसको हम डालेंगे गर्म तेल में, ऑयल जो कि हमने गर्म कर लिया है उसमें एक पतीली में ऐड करके पकने के लिए हम इसको अच्छे से छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर, जितने भी मसाले हैं वो पक जाएं और चिकन भी गल जाए। दूसरी साइड पे हम लोग लहसुन ऐड करेंगे, ऑयल गर्म हो चुका है और उसमें हम उसको छोड़ देंगे पकने के लिए। साथ ही हम उसमें एक नॉल चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे और एक कटोरी केचप की। साथ में हम कॉर्नफ्लावर को घोल के रख लेंगे अच्छे से मिक्स करके पानी के अंदर, और एंड पे हम इसको भी ऐड करेंगे। अभी लहसुन हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है, तो हम इसमें इसके अंदर केचप को ऐड कर लेंगे। केचप में इसी कटोरी में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कटोरी को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे।
और अपना केचप भी वेस्ट नहीं होने देंगे। और पानी भी इसमें के अंदर हमने एंड पे ऐड करना है, तो इसमें ज़रूरत आप इसमें डालें। और उसके बाद शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज हसबे ज़रूरत, या जिस तरह आप चाहें आप काट सकते हैं, जिस शेप में भी। चिली सॉस जाएगी इसके अंदर, सोया सॉस जाएगी और सिरका जाएगा, काली मिर्च जाएगी, साथ में ही चीनी, नमक। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे पानी डाल के। जी हाँ, ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है पकने के बाद। अब इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, इसको थिकनेस के लिए, थिक करने के लिए कि इसमें थिकनेस आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। चिकन भी हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको भी हम इसमें उंडेल देंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे। टन टन टन, रेडी चिकन शाशलिक, यमी यमी, बहुत टेस्टी और बहुत इजी, आप घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी है और ऑलमोस्ट हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं हर वक्त। और ट्राई करना मत भूलिएगा, कैसी लगी आपको और आप कैसी बनाती हैं, अपनी रेसिपी भी शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में रखें याद, आप भी रहें अल्लाह के अमान में, खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खाते पीते रहें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।